Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and great. तो students, आज का जो हमारा topic है, वो आपको board पे देख के समझ आ ही गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. Lesson number 2, word माला, जो आपका किसका lesson है? हिंदी व्याकरण का. Okay students, तो topic क्या है आपका आज? Word माला. और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फा बैट. ओके स्टूडेंट्स, द अल्फा बैट. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला लेसन रहा है आपकी ग्रंथि ग्रामर का, वो रहा है आपका भाषा और उसके जो टाइप्स थे वो, है ना. तो भाषा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम एक दूसरे को अपने मन की बात किस तरह समझाते हैं, वो होती है भाषा. और भाषा के टू टाइप्स होते हैं, मौखिक और लिखित. हम किसी को अपने मन की बात बोलकर भी और लिखकर भी समझा सकते हैं. तो वो तो हुई आपकी भाषा की बात. आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा न्यू टॉपिक वर्ड और वर्ड माला. लुक एट द बोर्ड एवरीवन, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे. देखो, ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप या ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप वर्ण या अक्षर कहलाते हैं. अब आप कहोगे कि मैम ध्वनियां क्या होती है? ध्वनियां, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ. जो भी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है, जो भी आवाज हमारे मुंह से निकलती है, उसका कुछ ना कुछ मतलब तो होता ही है. अभी मैंने ऐसे बोला आम, तो मेरे मुंह से निकली है ध्वनि आम, तो इसका कुछ ना कुछ मतलब है ना. आम यानी क्या होता है? मैंगो. तो जो भी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है वो क्या होती है? वर्ण कहलाती है, ठीक है. और यहाँ मैंने क्या लिखा है? जिस तरह से हम ध्वनियों को लिखते हैं वो वर्ण या अक्षर कहलाती है. एक बार ऐसे लिखेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल है. मैंने लिखा आम, तो ये आम एक शब्द है, इसकी ध्वनि क्या है? आम क्या है? एक शब्द है, इसकी ध्वनि क्या होगी स्टूडेंट्स? आ प्लस म प्लस अ, ये क्या है? वर्ण है. किसके? आम. आम की जो ध्वनि है वो ये होगी, आ बस अ, बस अ, बस अ, बस अ, तो ये क्या है? इसकी ध्वनि.
कर सकती हूँ। ठीक है, तो ध्वनियां एक बार डिवाइड मैंने कर दिया है, इसके बाद ये और छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये क्या है, भाषा यानी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होकर सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इसके बारे से हम और डिवाइड नहीं कर सकते और तोड़ नहीं सकते। यहाँ मैंने आम था, इसको तोड़ के आ प्लस म प्लस अ तो लिख दिया है, उधर बदल था तो उसको ही मैंने तोड़ के ब प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस ख प्लस अ लिख दिया। पर क्या हम इसे तोड़ के और छोटा कर सकते हैं क्या? नो, नहीं कर सकते। इसलिए ध्वनि जो है, ये आम की ध्वनि है ना, ये बदल की ध्वनि है, ये भी आम की ध्वनि है, तो ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, दो चीज मैं समझा दी आपको कि ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स वर्ड या फिर अक्षर, और ध्वनि जो होती है उसे हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए वो सब भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब मैंने लिखा है वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। माला आप लोगों को पता है ना, जैसे फ्लावर्स की माला होती है, पर्ल्स होते हैं, मोती जो होते हैं उनकी माला होती है ना, तो मोतियों से मिलकर कौन सी माला बनती है? मोतियों की माला। फूलों से मिलकर कौन सी माला बनती है? फूलों की माला। उसी तरह वर्णों के एक निश्चित क्रम से, है ना, लाइन वाइज, जब वर्ण जो है वो लाइन वाइज, जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद बड़ा ग, मतलब रखती है। ठीक है, मैं भी कुछ भी बोल रही हूँ तो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, पर उसका कोई ना कोई मीनिंग है ना, तभी तो आपको समझ आ रही है मेरी बात। अगर मैं अभी कुछ भी बोलूंगी तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मेरे मुंह से जो ध्वनियां निकल रही है, जो आवाज निकल रही है, वो कोई ना कोई अर्थ के साथ निकल रही है, उनमें कोई ना कोई मतलब है, और दूसरे व्यक्ति को हमारी बात आसानी से समझ आ जाती है। अभी मेरे कोई अर्थ है, कोई ना कोई मतलब है, इसीलिए मेरी बात आपको क्या आ रही है, समझ आ रही है। अगर ध्वनियां नहीं निकलेगी तो क्या आप मेरी बात समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। ठीक है, फिर देखो एग्जाम्पल लिखा है बतख। बतख शब्द की ध्वनि क्या होती है? ब प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस ख प्लस अ, तो ये बतख शब्द की ध्वनि है। फिर गमला, गमला शब्द की ध्वनि क्या है? ग अ प्लस म प्लस क प्लस ल प्लस अ, गमला। इन ध्वनियों को हम छोटा नहीं कर सकते, ये ध्वनियां हैं, ये आम
अक्षर कहते हैं, ठीक है। ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को क्या कहते हैं? अक्षर या फिर वर्ण। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि हम उसे और छोटा भी नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए वर्णमाला। वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? वर्णमाला, ठीक है। ये देखो आपकी रूम में पिक्चर बनी हुई है, दिख रही है सबको? इसमें देखो फ्लावर के अंदर देखो क ख ग लिखा हुआ है, तो ये देखो एक सीरीज में क ख ग ग ऐसे सब सीरीज में है। तो वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जब फूल अलग अलग होते हैं तो वे केवल फूल होते हैं, है ना। जब फूल अलग अलग होंगे तो वो फूल होंगे, पर आप जब उनको एक भागों में पिरो दोगे तो वो सब क्या मिलकर बन जाएंगे? फूलों की एक माला बन जाएगी, ठीक। इसी तरह जब वर्ण अलग अलग होते हैं तो सिर्फ वर्ण होते हैं, पर जब वर्णों को हम साथ में लेके चलेंगे तो वो क्या बन जाती है? वर्णमाला। वर्णों को एक क्रम में लगा देने से वे वर्णमाला यानी वर्णों की माला बन जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्या क्या सीखा है? वर्ण क्या होते हैं, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और वर्णों के एक निश्चित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से मेरी वीडियोस को देख के सुनना है, समझना है, ठीक है। फिर आपको कोई डाउट रहते हैं तो वो मैं आपकी क्लियर कर दूंगी लाइव क्लास में। अभी इस चैप्टर में से आपको वर्ण क्या होते हैं और वर्णमाला क्या होती है और ध्वनि भाषा सबसे छोटी इकाई होती है ये चीज जान करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्ण के जो टाइप्स है, जो प्रकार है, जिस तरह भाषा के टाइप्स है, इस तरह से वर्ण के भी प्रकार है, वो मैं आपको बताऊंगी।